प्रेस्टीज, काफी टाइम बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। बट वेट वेट वेट, मैं आपको याद भी हूँ या भूल गए? अरे ऐसे कैसे भूल सकते हो यार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त प्राची, और शो चल रहा है अनसुनी सी कहानी, ओनली ऑन प्रेस्टीज रेडियो। सुनो सबकी, करो दिल की। प्रेस्टीज रेडियो, सुनो सबकी, करो दिल की। प्रेस्टीज रेडियो, सुनो सबकी, करो दिल की। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश ईच एंड एवरी वुमेन अ हैप्पी वुमेन्स डे। पता है, हर रिश्ते नाते निभाना या किसी और की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना कोई आसान बात नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। इसीलिए तो कहते हैं वेयर देयर्स अ वुमेन देयर्स अ मैजिक। हां जी दोस्तों, इस बार प्रेस्टीज रेडियो सेलिब्रेट कर रहा है वुमेन्स डे स्पेशल वीक, a whole week dedicated to all the women. तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग गाने के साथ। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए प्रेस्टीज रेडियो, सुनो सबकी, करो दिल की। कोई खिड़की तो तभी ऐसा लगे ढली रात है, रात है, रात है। डरी 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 दबे 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 पैरों से वो चली कांच की घास पे, घास पे, घास पे। काली सी डिब्बी में हुई वो कैद थी, चंदा की मारी हमने गुलेल थी। तारों की चाबी से खुली सफेद सी सुबह 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 जुगनी कितनी वो खास थी। सुबह 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 सुनी सी कहानी, मैं हूँ प्राची। हम सब जानते हैं औरत अपने जिंदगी में कई सारे रोल्स निभाती है। किसी के घर में बेटी बनकर जन्म लेती है, तो किसी के घर में बहू बनकर आती है, फिर एक दिन पता ही नहीं चलता कब ये बेटी माँ बन जाती है। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे ही गेस्ट से जो खुद एक बेटी, पत्नी, माँ के साथ साथ एक लेखक भी है।
ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ उन्हीं से उनके बारे में जानेंगे, बट फिलहाल वक्त आ गया है आपको गाना सुनाने का। सो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए प्रेस्टीज रेडियो। मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली ऐ मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली ऐ मसक्कली मज़ा मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये तड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरा बना रे मजा कली उड़ मटक कली मसक कली उड़ मटक कली दिखला दे ठेंगा इन सब को जो उड़ना ना जाने उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी तन ले मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा ए मसक कली उड़ मटक कली ए मसक कली मसक कली उड़ मटक 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 क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है पवन की गुफ्तगू से है सूरज की रोशनी से है उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी उड़ियो ना डरियो कर मनमानी 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 बढ़ियो ना मुड़ियो कर ना दानी मसक्कली मसक्कली उड़ मटक 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 कली मसक्कली मस मस मसक्कली मटक मटक दोस्तों कविता शेर और शायरी कहानियाँ ये ऐसी चीजें हैं जो हमें एक अलग ही वर्ल्ड में लेकर जाती है, फिर चाहे वो बेवफाई वाली कविता हो या फिर आसमान को छू लेने वाली कहानियाँ। हम जब भी इन्हें सुनते हैं तो हमें कई ऐसे अच्छे बुरे किस्से याद आ ही जाते हैं जो कि बहुत मेमोरेबल होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी शेर व शायरी की बातें क्यों कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज की हमारी गेस्ट खुद एक लेखिका और कवित्री है। प्लीज वेलकम मिसेस किरण सिंह शिल्पी मैम। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो अनसुनी सी कहानी में एंड विश यू अ हैप्पी वुमेन्स डे। नमस्ते, मैं किरण सिंह शिल्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हैप्पी वुमेन्स डे।
मैम, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, बचपन से आपकी क्या क्या रुचियाँ रही है? मुझे हर चीज संभव लगती है, बस करने की चाह हो। फिर बच्चों के बड़े होने के बाद मैंने फिर से कविताएं, गजल लिखना शुरू किया। छंद मुक्त, छंदबद्ध कविता, गजल और गीत, कहानी, लघु कथा सभी मैं लिखती हूँ। मेरी दो निजी पुस्तकें, पहली पुस्तक एक किरण मुस्काई और दूसरी बघेली की कविता संग्रह सोन मच्छरी प्रकाशित हुई एवं 8 साझा संग्रह प्रकाशित हुई। खेल कूद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तक मैं पहुंची। रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, खो खो, ये सब मेरे प्रिय खेल थे। गीत संगीत से मुझे बचपन से लगाव था और बागवानी भी मुझे बहुत पसंद थी और आज भी है। गीत संगीत में मैं हमेशा इनाम भी जीतती थी और स्कूल कॉलेज में हमेशा पास भागीदारी रही मेरी। मुझे गीत बहुत पसंद थे, खासकर पुरानी फिल्मों के गीत और गज़ल। मैं जगजीत सिंह एवं चित्रा सिंह की गज़ल एवं गुलाम अली साहब की गज़लें बहुत गाती थी मैं, उन्हें सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि आपने कभी हौसला नहीं छोड़ा और हमेशा अपनी रुचि को प्रेफरेंस दी। मैम, जैसे कि आप एक लेखिका हैं और आपकी बहुत से बुक्स पब्लिश्ड हुए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक बुक पब्लिश करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और आपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया? महिलाओं के साथ तो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि अगर आप लिखते हैं और एक गृहिणी है तो आपको घर गृहस्थी का भी काम देखना पड़ता है। कभी कोई मेहमान आ गया, आप कुछ लिखने बैठे, कोई आ गया, किसी की आवाज़ आ रही कि एक गिलास पानी चाहिए या खाना चाहिए परिवार के सदस्यों का, तो आप जो दिमाग में सोचकर अपने शब्द या जो गज़ल या कविता की लाइनें रखी हैं तो उस वक्त वो गोली हो जाती हैं, फिर आपको दूसरे तरीके से सोचना पड़ता है। तो ये सब परेशानियाँ आती हैं, पर अंततः जब आपके हाथ में आपकी पुस्तक प्रकाशित होकर आपके हाथ में आती है तो जैसे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही प्यारा चल रहा है, बट आई थिंक अब वक्त आ गया है आपको गाना सुनाने का। सो सुनिए ये प्यारा सा गाना और जल्द से जल्द वापस आ जाइए ओनली ऑन प्रेस्टीज रेडियो। सुनो सब की, करो दिल की। बदला ना सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी वैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ। Oh,
लास्ट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि विमेंस डे पर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मैं आज आप सबके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि बेटियों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने से न रोकें। और समाज का यह एक बहुत बड़ा समाज के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि बेटियों से ही कुल आगे बढ़ता है, तो उनकी रक्षा भी करें, उन्हें सम्मान भी दें। और महिला दिवस पर मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगी, उनकी तरफ से यह कहना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से, अभी तो इम्तिहान होंगे अभी आगाज लाई हूँ, अभी तो इम्तिहान होंगे अभी आगाज लाई हूँ, सुलगते होठ होंगे वो सुलगते होठ होंगे अब मैं बन के आवाज़ आई हूँ, सुलगते होठ होंगे अब मैं बन के आवाज़ आई हूँ, बढ़ो आगे न हो पीछे तराने साथ लाई हूँ, जला दो जुल्म का चेहरा अभी मैं आग लाई हूँ, जला दो जुल्म का चेहरा अभी मैं आग लाई हूँ, करोगे शक्ति की पूजा समझते क्यों नहीं हो तुम, मैं घर में माँ बहन बेटी का बन के रूप आई हूँ, अभी तो इम्तिहान होंगे अभी आगाज लाई हूँ। मैं हर महिला की तरफ से ये लाइनें मेरी समर्पित है हर महिला को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए। वंस अगेन विश यू अ हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय, आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को। सो ये थी हमारी आज की कहानी। वक्त आ गया है मेरे जाने का, बट जल्द लौटूंगी एक नई कॉमन स्टोरी के साथ जो कि होगी कॉमन लोगों के बारे में। टिल देन कीप लिसनिंग प्रेस्टीज रेडियो, सुनो सब की करो दिल की। लव यू जोड़ी है तेरी मेरी, आने दो तो।